हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त कन्वर्जन रिएक्शन. सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज CH4 मीथेन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें बस यहाँ पे कार्बन ऐड करना है, मुझे दो और कार्बन लगाना है. तो जब भी आपको इंक्रीमेंट करना है कार्बन चेन में, तो यू हैव टू रिमेंबर टू नेम्स. पहला तो आपको याद रखना है वुड्स रिएक्शन, और दूसरा आपको याद रखना है कोरी हाउस सिंथेसिस. अब ये जो वुड्स रिएक्शन है, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन को बनाने के लिए काम आती है. मतलब अगर आपको 2 कार्बन या 4 कार्बन या 6 चाहिए, तो आप वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे. और अगर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन चाहिए, तो ये हमारा ऑड नंबर के लिए है और ये हमारा इवन नंबर के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब मुझे सबसे पहले मीथेन में जैसे ही हम क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालेंगे, तो क्या हो जाएगी, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, जिसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मीथेन जो है वो काफी अनरिएक्टिव है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेते हैं. सो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl के अंदर. ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब यहां पे एक CH3 है, इसको मुझे डबल करना है और उसके बाद ट्रिपल करना. तो पहले मैं इसको डबल करूंगा. इसको डबल करने के लिए जो रिएक्शन आपको याद रखनी है, इट इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या ड्राई ईथर, जिसको हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं. तो अब वुड्स रिएक्शन जैसे ही आपने किया, व्हाट विल हैपन, ये जो CH3 है ये डबल हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट हियर इज इथेन. ठीक है, ये आपको मिल गया इथेन. अब नाउ मुझे एक और कार्बन की चेन, मतलब एक और कार्बन लगाना है, तो व्हाट यू विल डू, अगेन आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे. इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकालो, एक क्लोरीन लगा दो. सो यू विल गेट CH3CH2Cl. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब मुझे क्या करना है, नाउ रिमेंबर कि आप अब यहां पे अगर वापस से आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर किया, मतलब वुड्स रिएक्शन किया, तो ये 4 कार्बन बन जाएगा, मतलब वो ब्यूटेन बन जाएगा. बट मुझे ब्यूटेन नहीं, क्या बनाना है, प्रोपेन. सो मैं यहां पे कोरी हाउस सिंथेसिस लगाऊंगा. कोरी हाउस सिंथेसिस का जो रिएजेंट होता है, इट इज R2CuLi. ठीक है, तो मुझे यहां पे CH3 लगाना है, तो R की जगह व्हाट आई विल टेक CH3. सो ये जो हमारा रिएजेंट होगा, इट इज CH3 twice CuLi. इसको हम गिलमन रिएजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो गिलमन रिएजेंट जैसे ही आपने डाला, ये जो आपका क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन. क्योंकि ये जो CH3 है, ये CH3 twice, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो अटैक करता है यहां पे और हमें प्रोपेन बना के दे देगा. ओके, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन और कन्वर्जन के लिए यू कैन चेक आउट बुक COC, रिटन बाय अभिषेक सर एंड मी. यू कैन चेक आउट द बुक इन द डिस्क्रिप्शन.